हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टोमेनिया में। गाइस, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 ईयर्स है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे संभव हुआ? पूरी दुनिया का 80 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वहाँ का 83 कैसे? इनफैक्ट अभी तो 90 है। तो इस वीडियो में आज हम एक ऐसे गांव की बात करने जा रहे हैं जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100+ है। सही सुना आपने, 100+। तो उस गांव का नाम है ओगिमी विलेज और वो ओकिनावा आइलैंड्स में स्थित है। तो चलिए आज उनके बारे में कुछ मोटिवेशनल फैक्ट्स जानते हैं। नंबर वन, क्लाइमेट फैक्टर। यस गाइस, आपने सही सुना, क्लाइमेट से भी उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही वार्म है, अच्छा खासा क्लाइमेट है। मतलब वो लोग पूरे समय बाहर ही रहते हैं, घर पे कोई भी बंद नहीं रहता है, वो लोग पूरे समय बाहर रहते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान, सब बाहर निकलते हैं, खेलते हैं और कोई भी घर पे रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। बूढ़े तक वहाँ पे खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। मतलब वो लोग घर पे बिल्कुल भी नहीं रहते, तो उनसे उनकी हेल्थ बरकरार रहती है। नंबर टू, फूड। जहाँ सब लोग ऐसा खाना खाते हैं, वो लोग ऐसा ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं और तो और वो लोग सीवीड्स खाते हैं। सीवीड्स यानी कि जो पानी के अंदर घास उगती है वो लोग तोड़ के लाते हैं क्योंकि उनका कोस्टल एरिया में घर है, तो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है ये और उसको बॉयल करके खाते हैं वो लोग। और तो और वो लोग लेग्यूम्स नाम के सोयाबीन्स खाते हैं जो कि आम सोयाबीन्स से 1.5% हायर न्यूट्रिशियस होता है। और तो और वो लोग मीट खाते हैं, लेकिन चाइना की तरह किसी भी चीज़ का नहीं, 2 या 3 वैरायटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि सी एनिमल्स हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा सी एनिमल्स का ही खाते हैं वो लोग, उसका कीमा बना के उसमें भी वेजिटेबल्स मिला के। तो देखा जाए तो उन लोग की डाइट बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही बैलेंस्ड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और सबसे मेन है वो लोग, मतलब उनका 1% एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 9 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करता है। मतलब एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 9 ग्राम सॉल्ट खाता है, नमक खाता है, तो उससे उसका शुगर लेवल बरकरार रहता है। और तो और सबसे बड़ी बात कि वो लोग जो खाते हैं बॉइल्ड खाते हैं, किसी भी चीज़ को लोग फ्राई नहीं करते हैं, हमेशा बॉइल्ड खाते हैं क्योंकि बॉइल्ड करने से फूड के न्यूट्रिशन बरकरार रहते हैं, हटते नहीं हैं। नंबर थ्री, दे ईट शिकुआजा फ्रूट। शिकुआजा फ्रूट में कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स सब होते हैं और मेन बात है कि वो लोग ये दिन भर खाते रहते हैं, मतलब खाने के साथ, नाश्ते के साथ, हर चीज़ के साथ। तो ये बहुत ही मेजर फैक्टर है उनकी हेल्थ से रिलेटेड। नंबर फोर, दे लव देयर नेचर। तो जैसा आप सभी सब जानते हैं कि नेचर से हम लोग को कितनी चीज़ें मिलती हैं, हम लोग को एक हैप्पीनेस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और भी बहुत सारी हम लोग को फैसिलिटीज़ मिलती हैं नेचर से। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत ही बेकार है, लेकिन तब भी वो लोग अपने नेचर से बहुत ही प्यार करते हैं और पूरे समय अपने नेचर के पास ही रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि वो लोग अपने घर में कम रहते हैं। नंबर फाइव, दे लिव इन कम्युनल हार्मनी। अब अगर 1% अकेला रहे और 1% 3 लोगों के साथ रहे तो ज़्यादा खुश कौन होगा? 3% वाला तो बस यही सोच ले कि वो लोग भी हमेशा किसी ना किसी के साथ रहते हैं, वो लोग अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप ही बताइए, हंसना हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। तो हंसेंगे आप तब जब किसी के साथ होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, मतलब आपको टेम्परेचर बदलना है, किसी वार्म क्लाइमेट में जाना है या फिर आपको शिकुआजा तरीके के फ्रूट्स दिन भर खाने रहने, खरीद खरीद के ढूंढ के लाने हैं। आप नॉर्मल फ्रूट्स भी खा सकते हैं, आप किसी भी टेम्परेचर में उस टेम्परेचर के रिगार्डिंग कोई चीज़ कर सकते हैं, बस ज़रूरी है आपकी विल पावर। जैसा कि मैंने स्पिरिचुअल वीडियो में भी बताया था, विल पावर आपकी किंग है। वहाँ के लोग लाइफ में अपना एक एम बना के रखते हैं, चाहे रिटायर होने के बाद ही क्यों ना हो, अपना एक गोल बना के रखते हैं जिसको वो मरते दम तक पूरा करते हैं। तो बस अपना एक गोल बनाइए, शू लेस बांध लीजिए और अभी के अभी घर से निकल जाइए। और तो और अपने कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपका विल क्या है, आपका गोल क्या है लाइफ में। तो गाइज, मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोग अपने घरों से बाहर निकलिए, कुछ हेल्दी खाइए, मतलब चिप्स चॉकलेट खाइए, मैं भी खाता हूँ, लेकिन एक लिमिट में खाइए और हेल्दी चीज़ ज़्यादा खाइए। तो थैंक यू। और हाँ गाइज, हमारे सब्सक्राइबर दोबारा से रुकने लगे हैं, तो गाइज सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तभी तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी और आपके लिए।